जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश शिवानी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक वर्ल्ड में। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाइनरी नंबर हमें गिवन होगा, उसको हमें डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है गाइज, तो हमारे पास बाइनरी नंबर क्या है, 10110। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर, बेस 10 के अंदर करना है। ठीक है गाइज, तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट इसको सॉल्व करते हुए जाओगे। किस तरह, पहले आप क्या करोगे, वन को उठाओगे राइट टू लेफ्ट में, पहले क्या आ रहा है, ये वन आ रहा है, तो आप वन को उठाओगे। ठीक है गाइस, वन को उठा के क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, टू की पावर जीरो से। क्योंकि गाइस, बाइनरी नंबर को जब भी आप डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, जो पहला नंबर है ना उसको आप मल्टीप्लाई करोगे टू की पावर जीरो से, जो सेकंड वाला है ना उसको आप मल्टीप्लाई करोगे टू की पावर वन से, थर्ड वाले को टू की पावर टू से, फोर्थ वाले को टू की पावर थ्री से, और फिफ्थ वाले को टू की पावर फोर से मल्टीप्लाई कराओगे। तो गाइस, इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है, पावर टू की पावर को आप मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे, और टू की पावर जो है ना एक और इंक्रीमेंट करते हुए जाओगे। मतलब पहले जीरो से कराओगे, देन वन से कराओगे, देन टू से कराओगे, देन थ्री से कराओगे, देन फोर से कराओगे, टू के ऊपर पावर आएगी क्योंकि इसका बेस क्या है, टू है। तो गाइस, आप मुझे बताओ कि वन को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, टू की पावर जीरो से। ठीक है गाइस, देन आप क्या करोगे, प्लस करोगे, जाहिर सी बात है, देन आप क्या करोगे, जीरो को मल्टीप्लाई करवाओगे टू की पावर वन से। ठीक है गाइस, बिल्कुल वही तरीका है। अब आप थर्ड पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो इस वन को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर टू से करवाओगे। देन अगेन वन आ रहा है, तो क्या करोगे, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर थ्री। ठीक है गाइस, देन लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो मल्टीप्लाई बाय टू की पावर फोर। सही है गाइस, बिल्कुल इसी तरह आपको करना है, टू के ऊपर एक पावर आप बढ़ाते हुए जाओगे, इंक्रीमेंट करते हुए जाओगे और मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे, बिल्कुल राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आपको इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा, टू की पावर जीरो वन ही आता है, वन इंटू वन वन ही आएगा। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो रिजल्ट आपका जीरो ही आएगा। ठीक है गाइस, और वन को मल्टीप्लाई करवाओ टू की पावर टू, मतलब फोर बन गया, तो फोर रिजल्ट आएगा। ठीक है गाइज, अब टू की पावर थ्री एट बनता है, एट इंटू वन एट रिजल्ट आएगा, और जीरो को अगेन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे जो अब जीरो आएगा। ठीक है गाइज, अगर इसको आप सिंप्लीफाई कराओगे तो इसका रिजल्ट आएगा 13, जिस प्लस करना है 1 + 4 + 8 13 आंसर आएगा इसका। मतलब हमने क्या करा है, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल के अंदर, 13 के अंदर। गाइज, इसका डायरेक्ट तरीका यही है, आप जीरो वाला नहीं लिखो, डायरेक्ट जहाँ जहाँ वन आ रहा है ना उसको उसको आप जस्ट पावर से मल्टीप्लाई कराओ, या डायरेक्ट उसका पावर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वन जिससे भी मल्टीप्लाई करवाओगे ना जो अब वही आएगा जो उसका पावर वाला होगा। ठीक है गाइज, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट में टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री, इसको आप क्या जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लस करोगे तो जो आप उसका 13 ही आएगा। तो ये इसका होता है डायरेक्ट तरीका। ठीक है गाइस, अगर आप बिल्कुल मेथड वाइज करोगे, अगर आप एग्जाम की तैयारी के हिसाब से करोगे तो गाइस आपको इस तरह करना होगा। ठीक है गाइस, अब मेरे पास आता है एक और एग्जाम्पल है डार्ट वाला, जिसके अंदर डार्ट है, जिसके दो साइड्स हैं गाइस, एक डार्ट की लेफ्ट साइड, एक डार्ट की राइट साइड है, दो साइड है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आप सॉल्व क्या करोगे, डार्ट की लेफ्ट साइड सबसे पहले सॉल्व करोगे, और सॉल्व किस तरह करनी है, राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल यही वाला तरीका है। ठीक है गाइस, तो आप गाइस मुझे बताओ क्या करना होगा, यहाँ वन है, वन को मल्टीप्लाई करोगे पहले टू की पावर जीरो से, प्लस अगेन वन आ रहा है, वन को मल्टीप्लाई करोगे टू की पावर वन से, गाइस पावर बढ़ता हुआ जाएगा, देन आ रहा है जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई किससे करवाओगे, टू की पावर टू से। गाइस देखो, पहले टू की पावर जीरो से करा, देन टू की पावर वन से करा, देन टू की पावर टू से करा, अगर एक और या नंबर होता ना तो मैं मल्टीप्लाई करवाता टू की पावर थ्री से। गाइस इस तरह ये मल्टीप्लाई करते हुए हम जाएंगे। देन आती है डार्ट। गाइस अब क्या करेंगे हम, डार्ट की जो ये राइट साइड है इसको क्या करेंगे हम, पावर तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके करवाएंगे, लेकिन पावर वन से स्टार्ट होगा और माइनस में जाता हुआ जाएगा। ठीक है गाइस, तो मतलब प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर माइनस वन। ठीक है गाइस, देन अगेन प्लस जीरो आ रहा है, जीरो मल्टीप्लाई बाय टू की पावर माइनस टू। गाइस माइनस में हम पावर मल्टीप्लाई कराएंगे जब हम डार्ट के बाद, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, और पावर माइनस वन से स्टार्ट होगा, जीरो से कभी नहीं होगा, क्योंकि माइनस जीरो जो है ना नहीं प्लस का होता है नहीं माइनस का होता है। ठीक है गाइस, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करवाओगे तो रिजल्ट इसका आएगा, इसका तो वन ही आएगा। ठीक है गाइस, और इसका टू आएगा, एंड देन जीरो वाले का जीरो ही आएगा। ठीक है गाइस, और वन इंटू टू की पावर माइनस वन का रिजल्ट आएगा 0.5,
और जीरो वाले का जीरो ही आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करवाओगे तो जवाब इसका आएगा 3.5। तो गाइज हमने डॉट वाले एग्जाम्पल को भी कन्वर्ट कर दिया है, बानवे नंबर को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि मेरी आने वाली मजीद वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।